अच्छा जय माता दी, ये पेपर है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है और कक्षा 10th साइंस विज्ञान का ये पेपर है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का ये पेपर है। और इस पूरे पेपर का जो आंसर शीट है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और पूरा पेपर आप देख सकते हैं। इस पेपर का पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो वो वाला प्रोसेस भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। और अगर अभी तक आपके ज़िले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में साइंस का पेपर नहीं हुआ है तो ये पेपर आप तैयार कर सकते हैं। इस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। और जो बोर्ड परीक्षा होगी आपके मार्च के अंदर, तो उसमें भी साइंस का जो पेपर होगा उस इस पेपर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक बार पूरा पेपर आपको जरूर तैयार करना है। तो देखिए सेक्शन ए दे रखा है, सेक्शन ए में बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है मैग्नीशियम का वायु में जलना, तो ये ऑक्सीकरण होगा यानी सही ऑप्शन होगा। दूसरा है आपके बिना भुजा चूना कहलाता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें बे ऑप्शन सही होगा। तीसरा है कार्बन का अपर रूप है हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फुलरीन भी है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए दे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर चार है आपके कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से, तो इसमें बे ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न है मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है, हिमोग्लोबिन। और छठा प्रश्न है प्रागकोष में होते हैं प्रागकण, तो इसमें सह ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए सातवां प्रश्न है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, वर्षण में, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। आठवा प्रश्न है इसमें अनुपात आपको बताना है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। नौवा प्रश्न है किसी जीव के एक विप्रयासी लक्षण के दोनों जीन होने पर इसे क्या कहते हैं, तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं, तो द ऑप्शन सही होगा। और दसवां क्वेश्चन है किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता, तो पी बराबर एक बट्टा एफ, यानी सही ऑप्शन आपका सही होगा। और ग्यारहवां क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में धारा मापने वाला जो उपकरण है वो एमीटर होगा। और बारहवां प्रश्न है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध घटता है, तो इसमें बे ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया कि विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की थी, ओरेस्टेड ने, तो इसमें दे ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इसमें आपको मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। 16वां प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो इसमें प्रायमस्तिष्क होगा। और जनन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, जैविक आवर्धन क्या है। और खंड बे है आपके, इसमें सफेदी करने के बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है, एस्टरीकरण किसे कहते हैं। और 24 वाला प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। और 25 वाले प्रश्न में आपको यहाँ पर प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 26 में खाद्य श्रृंखला में एक निचले खाद्य स्तर से उसके ऊपर के स्तर पर जाने में ऊर्जा की हानि क्यों होती है। और 27वां प्रश्न एक तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है और कार्यों का वर्णन करना है। 28 वाले प्रश्न में क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, इसका समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। और खंड सह में मनुष्य के हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है और इसकी कार्य विधि का वर्णन करना है। अथवा में उत्सर्जन तंत्र और मानव शरीर में मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि है उसका संक्षिप्त वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के प्रति परिपथ का चित्र देते हुए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 31 में संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और आईपीसी नाम बताने हैं। सेक्शन डी है आपके, इसमें टिप्पणी लिखनी है आपको, जननात्मक स्वास्थ्य, ओजोन अपक्षय और जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। और अथवा में प्रश्न है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, फ्यूज तार है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये पूरा पेपर आपको एक बार तैयार करना है अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।